Hello students, this is Pinky Yadav. I am going to take a lecture of MSA in 2. Topic is mastoiditis. Okay, so mastoiditis topic ka naam hai and this is from the unit 5. Okay, jo hum last kar rahe the. Unit 5 se ye middle ear ka disorder hai. Theek hai, to middle ear mein humne isse pehle kya kiya tha? Otitis media. Okay, ओटाइटिस मीडिया यानी कि ओटाइटिस मीडिया फ्रॉम मिडिल ईयर. ओके, अब ये हमारा सेकेंड टॉपिक है और मिडिल ईयर से मास्टोइडाइटिस. ओके, सो मास्टोइडाइटिस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मास्टोइडाइटिस जो बना है वर्ड, ये दो वर्ड से बना है. ओके, मास्टोइड एंड आइटिस. ओके, आइटिस का मतलब हमें पता है क्या होता है? इन्फेक्शन. एंड मास्टोइड क्या होता है? मास्टोइड इज अ बोन विच इज़ बिहाइंड ईयर. ओके, ये देख लो, ये ईयर है और इसके बिहाइंड में जो बोन है यहाँ पे क्या इसको क्या बोलते हैं? मास्टोइड. ओके, एंड आइटिस मतलब होता है इन्फेक्शन. तो अगर वो जो बोन है ईयर के पीछे वाला जो बोन है मास्टोइड, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन होता है लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? मास्टोइडाइटिस. ओके, ये हमारा टॉपिक है. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ मास्टोइडाइटिस. ओके, सो मास्टोइडाइटिस इज़ अ इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द मास्ट सेल. ओके, तो जो मास्टोइडाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ मास्ट सेल है. मास्ट सेल किधर होता है? मास्टोइड बोन के अंदर मास्ट सेल्स होता है. ओके, जो कि कान के पीछे होता है, तो उसका इन्फेक्शन हो जाता है. इन द मास्टोइड बोन, द मास्टोइड बोन इज लोकेटेड बिहाइंड द ईयर एंड इज़ अ पार्ट ऑफ स्कल. ओके, तो क्या है? मास्टोइड बोन कहाँ है? ईयर के पीछे लोकेट होता है, ईयर के जस्ट बिहाइंड यानी कि साइड में लोकेट होता है. एंड क्या है ये एक स्कल का पार्ट है. ओके, सो मास्टोइडाइटिस क्या है? इट इज़ एन इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ मास्ट सेल इन द मास्टोइड बोन. द मास्टोइड बोन इज लोकेटेड बिहाइंड द ईयर एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्कल. ओके, सो ये क्या है? डेफिनेशन है मास्टोइडाइटिस का. ओके, नाउ इट्स इटियोलॉजी. ओके, तो इटियोलॉजी क्या होता है? इटियोलॉजी होता है कॉजेज. ओके, सो मास्टोइडाइटिस मोस्ट ऑफन डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ मिडिल ईयर इन्फेक्शन. ओके, तो मास्टोइडाइटिस कैसे होता है? इसका कॉज क्या क्या हो सकता है? उसका ओनली कॉज क्या हो सकता है? सिर्फ मिडिल ईयर इन्फेक्शन. ओके, तो मिडिल ईयर इन्फेक्शन की वजह से ये क्या है? इसका वन एंड ओनली कॉज है मास्टोइडाइटिस का. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम. ओके, तो साइन एंड सिम्टम क्या है मास्टोइडाइटिस का? तो फर्स्ट इज फीवर, इरिटेबिलिटी एंड लिथार्जी. ओके, फीवर मतलब क्या होता है? फीवर इज बुखार होना. इरिटेबिलिटी मतलब कि पेशेंट क्या हो जाएगा? इरिटेट हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा. ठीक है, बहुत जल्दी उसको गुस्सा, बहुत जल्दी वो इरिटेट होगा. लिथार्जी इज थकावट. ओके, थक जाना, थकावट होना, उसको बोलते हैं हम लिथार्जी. नेक्स्ट इज स्वेलिंग इन द ईयर लोब. जो ईयर लोब है ना, लोब्स जो है बाहर जो ईयर का है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेडनेस एंड टिंडरनेस बिहाइंड द ईयर. ओके, यानी कि जो मास्टोइड बोन वाला जो एरिया है, ओके, कान के पीछे, वहाँ पे क्या होगा? रेडनेस हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? टिंडर हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म होगा. ओके, देन ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर. ईयर से क्या होगा? कुछ ड्रेन जैसा कुछ वाटरी फ्लूइड निकलेगा. ओके, देन बल्जिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ ईयर. ओके, बल्जिंग क्या होता है? बल्जिंग होता है मतलब कि पूरा फुल. ओके, यानी कि भरा भरा सा फील होना. ओके, जैसे कान है वो बहुत फुलनेस उसमें फील होगा, हमें भरा हुआ सा लगेगा बिकॉज ऑफ वाटर. एंड ड्रूपिंग ऑफ ईयर, ड्रूपिंग ऑफ ईयर मतलब कि जैसे जैसे बबल्स निकलता है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? जो जो आवाज़ आता है उसको क्या बोलते हैं? हम ड्रूपिंग बोलते हैं. ओके, तो उस तरह की आवाज़ आएगी कान से. ओके, तो ये सारे क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मास्टोइडाइटिस. ओके, नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. ओके, सो हाउ विल यू इवैल्यूएट दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मास्टोइडाइटिस. ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे एंड बाय द हिस्ट्री वी विल डायग्नोज दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मास्टोइडाइटिस. ओके, सेकेंड इज फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? जब भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आता है फॉर द फर्स्ट टाइम विद अ कंप्लेन ऑफ मास्टोइडाइटिस,
हम क्या करेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। कैसे? पहले उसका ऑटोस्कोप से उसका ईयर एग्जामिन करेंगे, है ना। उसके बाद में फिर पेशेंट का एक एक हिस्ट्री, एक एक चीज़ें हम देखेंगे, जैसे कि कान, ईयर लोब है उसका क्या साइज़ है, पिन्ना है वो, उसमें कहीं स्वेलिंग है या नहीं है, अंदर कैसा आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। देन इमेजिंग स्टडीज़, ओके। इमेजिंग स्टडीज से भी हमें पता चलेगा कि पेशेंट को मास्टोइडाइटिस है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस, ओके। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मास्टोइडाइटिस इज फेशियल पैरालिसिस, ओके। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर बहुत टाइम से किसी पेशेंट को मास्टोइडाइटिस है, ओके, क्रॉनिक टाइम से है, तो उसको क्या हो सकता है, फेशियल पैरालिसिस, यानी कि जो फेस है वो पैरालाइज हो सकता है, ओके। देन नोजिया, वॉमिटिंग, वर्टिगो, ओके। तो जो नोजिया, वॉमिटिंग, वर्टिगो क्या है, तीनों क्या है, साइनन सिम्टम है ऑफ मास्टोइडाइटिस, ओके। एंड क्या हो सकता है उसको साथ में, लेबिरिंथाइटिस। लेबिरिंथाइटिस क्या होता है, कान का जो इनर ईयर होता है ना, वहाँ पे एक पार्ट होता है लेबिरिंथ, ओके, लेबिरिंथ। तो लेबिरिंथ का इन्फेक्शन हो जाता है, आइटिस मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, लेबिरिंथाइटिस, ओके। तो वो भी हो सकता है लेबिरिंथाइटिस, हम आगे 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 जो हम इनर ईयर पढ़ेंगे तो उसमें हमारा ये आएगा, ओके, डिज कंडीशन। देन हियरिंग लॉस हो सकता है, ब्रेन एब्सेस हो सकता है, ब्रेन एब्सेस और मेनिनजाइटिस, ओके। मेनिनजाइटिस क्या होता है, जो ब्रेन होता है ना उसका इन्फेक्शन होता है, ओके, मेनिनजेस का इन्फेक्शन होता है, उसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस। ब्रेन एब्सेस क्या होता है कि ब्रेन में क्या हो सकता है, पानी का फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है, ओके, तो ब्रेन एब्सेस। विजन चेंज और हेडेक, ओके। तो विजन यानी कि क्या होगा, हमें देखने में तकलीफ हो सकता है या फिर हेडेक हो सकता है, क्यों, बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन ब्रेन, ओके, ब्लड का जमाव हो जाएगा ब्रेन में, इसके वजह से विजन है उसमें चेंजेस आएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट, ओके। तो व्हाट इज़ द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ मास्टोइडाइटिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एंटीबायोटिक्स, ओके। पेशेंट को हम क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में कौन सा आएगा, सेफेलोस्पोरिन है, ओके, देन अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, पेंसिलिन है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, एंटीबायोटिक है, तो ये दे सकते हो, ओके। तो एंटीबायोटिक में तीनों का नाम याद रख लेना, सेफेलोस्पोरिन, पेंसिलिन एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ओके। इफ़ द पेशेंट इज़ एलर्जिक टू पेनिसिलिन और क्लिंडामाइसिन, ये क्या है, दोनों एंटीबायोटिक है, ओके, पेनिसिलिन और क्लिंडामाइसिन, देन द पेशेंट शुड बी कंसिडर्ड फॉर इंस्टेड ऑफ पेनिसिलिन, ओके। यानी कि तो इसके अलावा जो पेशेंट को जो सूट होता है ना एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन के अलावा वो देना होगा, ओके। सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट इज एंटीपायरेटिक्स, ओके। एंटीपायरेटिक्स क्या होता है, जो कि हम बुखार के अगेंस्ट में जो दवाई देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपायरेट, ओके, जो यानी कि फीवर में देते हैं उसको बोलते हैं। तो फीवर का दवाई क्या है यहाँ पे, एसिटोमेनोफेन, ओके। तो एसिटोमेनोफेन हम दे सकते हैं पेशेंट को टू रिड्यूस देयर फीवर, ओके। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ मास्टोइडाइटिस, ओके। तो सर्जिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है, मास्टोइडेक्टॉमी हो सकता है। मास्टोइडेक्टॉमी मतलब कि, एक्टॉमी मतलब क्या होता है, रिमूवल, ओके, टोटल रिमूवल। एंड मास्टोइड हमें पता है क्या होता है, बोन होता है, ओके। सो मास्टोइडेक्टॉमी हो सकता है, यानी कि रिमूवल ऑफ मास्टोइड बोन, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड मास्टोइड एयर सेल्स, ओके। तो वहाँ पे जो मास्टोइड बोन के अंदर जो एयर होता है, उसके अंदर जो सेल्स होता है ना, उसका रिमूव करेंगे, जो इन्फेक्टेड है वो वाला। देन टिम्पेनोस्टोमी, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है ना, टिम्पेनिक, देखना टिम्पेनिक कैविटी आपने देखा होगा, जो आप अगर आप उसका फिगर देखोगे ईयर का, ओके, तो इसमें क्या होगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। तो उसकी क्या होगी, उसकी स्टोमी होगी। स्टोमी मतलब क्या होता है, सर्जिकली जिसको हम करेक्ट करते हैं बाय सर्जरी से, ओके, उसको स्टोमी बोलते हैं, ओके। तो ट्यूब को हम सर्जरी वाइज उसको ड्रेन करके निकालेंगे ना, उसको कट करके ड्रेन करके वहाँ का जो पानी रिमूव करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टिम्पेनोस्टोमी, ओके। तो ये एक सर्जरी हो सकता है, ओके। तो ये दो सर्जरी है इन सर्जिकल मैनेजमेंट, फर्स्ट इज मास्टोइडेक्टॉमी एंड सेकेंड इज टिम्पेनोस्टोमी। टिम्पेनोस्टोमी में क्या होगा, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसको कट करके, उस ट्यूब को कट करके वहाँ से जो कलेक्टेड वाटर होगा उसको निकालना होगा, ओके, मास्टोइड बोन से। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या होगा, प्री ऑपरेटिव केयर में क्या क्या करना होगा, ओके। तो प्री ऑपरेटिव केयर में
फर्स्ट इज बिफोर सर्जरी, प्री ऑपरेटिव केयर मतलब क्या होता है, सर्जरी से पहले का जो केयर देते हैं वो होता है. ओके, सो बिफोर सर्जरी एन ऑडियोग्राम एंड अ टिम्पेनिग्राम आर ऑब्टेन टू असिस द प्री ऑपरेटिव हियरिंग एक्यूटी. ओके, तो ऑडियोग्राम क्या है, दोनों एक मशीन है, टिम्पेनोग्राम, ठीक है, जिससे कि हम पता चलता है कि पेशेंट को सुनने में यानी कि कुछ भी हियरिंग करने में कितनी तकलीफ हो रही है. ओके, तो इससे हम पहले पता करेंगे कि पेशेंट का क्या स्टैंडर्ड है इन हियरिंग. ओके, देन प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, कोई कंफर्टेबल पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली साइड लेटरल होते हैं ना वो देते हैं पोजीशन, साइड लेटरल. ओके, देन एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड सडन मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट है वो सडनली नहीं करना है, ठीक है, अचानक से कोई मूवमेंट नहीं करना है, स्पेशली हेड मूवमेंट. देन एडमिनिस्टर लोकल सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, स्टीरॉयड नेजल ड्रॉप टू ट्रीट इन्फेक्शन एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन. ओके, तो हमें क्या करना है, जो सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक है, ओके, यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह के लिए अगर एंटीबायोटिक है तो वो देना है पेशेंट को. एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है, पेन किलर. ओके, पेन किलर देना है. देन स्टीरॉयड नेजल ड्रॉप. ओके, स्टीरॉयड नेजल ड्रॉप क्या होता है, एक नेजल ड्रॉप होता है जो कि हम बाय नोज उस ड्रॉप्स को एंटर करवाते हैं. ओके, किसके लिए ये सब देते हैं, इन्फेक्शन को कम करने के लिए और या फिर इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए. ओके, देन नेक्स्ट इज प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट. ओके, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है. देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर. ओके, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या होगा, यहाँ पे पोस्ट कर लेना है इसको, POST. ओके, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को हमें क्या करना है, प्लेस द पेशेंट ऑन बेड रेस्ट फॉर फर्स्ट 24 to 48 hours. आफ्टर ऑपरेशन से आने के बाद में पेशेंट को 24 to 48 hours तक का फुल बेड रेस्ट देना है. ठीक है, देन प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजिशन. ओके, देन नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू कीप द ईयर ड्राई. ओके, पेशेंट को बोलना है कि वो अपने कानों को एकदम ड्राई रखे, कहीं मतलब कोई भी पानी का ड्रॉप एक भी नहीं जाना चाहिए फॉर फर्स्ट 4 to 6 weeks. ओके, सर्जरी के बाद. देन लास्ट इज नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स सच एज एप्लीकेशन ऑफ हीट बाय वार्म कंप्रेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक मे हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव ईयर पेन. ओके, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स क्या होता है, वो मेजर्स जिसमें कि हम किसी भी दवाइयों का यूज़ नहीं करते हैं. ओके, फार्माकोलॉजी क्या होता है, जिसमें कोई भी मेडिसिन इन्वॉल्व होता है ना, मेडिसिन, स्टडी ऑफ मेडिसिन इज फार्माकोलॉजी. ओके, सो फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में क्या होगा, कोई भी हमें मेडिसिन का यूज़ ना करते हुए सिर्फ वार्म कंप्रेस. ओके, यानी कि जो वार्म कंप्रेस होता है, ओके, गर्माहट से प्लस कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक यानी कि कोई भी योग से, कोई भी आसन से हम फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव जो ईयर पेन है ना उसको रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, तो ये करना है हमें पोस्ट ऑपरेटिव केयर में. ओके, सो ये हमारा टॉपिक क्या था, मास्टॉयडाइटिस. ओके, जिसमें हमने पहले क्या पढ़ा था, इन्फेक्शन ऑफ मास्टॉयड बोन इज कॉल्ड मास्टॉयडाइटिस. ओके, तो मास्टॉयड का पहले डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ मास्ट सेल इन द मास्टॉयड बोन. ओके, दिस इज डेफिनेशन ऑफ मास्टॉयडाइटिस. देन इसका एटियोलॉजी यानी कि कॉजेज, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस, कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल मैनेजमेंट में दोनों एंटीबायोटिक एंड एंटीबायोटिक हमें देना है. देन सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करना है, मास्टॉयडेक्टोमी और टिम्पेनोस्टोमी, दो सर्जिकल मैनेजमेंट है. देन नर्सिंग मैनेजमेंट में बोथ प्री ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर. ओके, तो ये दोनों आ जाएगा मास्टॉयड डिसऑर्डर में. ओके, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.